हो सही बात है, नहीं तो सही लगती भी नहीं। आई अल्लाह, आज भी तुमसे छोटी सही लगाऊंगी। आज भी पक्का छोटी सही लगाऊंगी। नहीं नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। गिफ्ट लेकर आई हूँ। पता कितने की आई है? कितने की आई होगी? पता नहीं कितने की आई। गेस करो। एक ही लेके। शुक्र करो एक ले मिल गई। कितने की लाई होंगी? पता नहीं। 450 की। और इतना बच्चा 450 का? जी। आके आके खराब हुई? नहीं ना, खा के निकली हूँ ना, खा के मेरी ऐसी हो जाती है रेड। 450 रुपीज़ की। तो यही अगर मैं किसी इतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार या लंडे बाज़ार गई होती ना, तो वहाँ मुझे 20-20 रुपए की मिल जानी थी। आप चले जाना ना, ले आके रख लेना। ऐसे ही करूँगी, घर में पड़ी हुई तो मतलब इस्तेमाल कर लेता। हाँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और सफाई जो है माशाल्लाह से घर में स्टार्ट हो गई है। सुबह का जो मेरा आगाज़ है वो सफाई से ही होता है। हस्बैंड जो है खैर से जा चुके हैं और उनके जाने के बाद मैंने फ़ौरन शावर ले लिया था, क्योंकि मुझे यह था कि अब नसरीन आ जाएगी, नसरीन के आने से पहले मैं घर की हालत ठीक कर देती हूँ, उसके बाद मैंने शावर ले लिया था। साथ ही जो है मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, और क्योंकि आज थर्सडे है, थर्सडे वाले दिन हमारी लाइट जाती है सुबह 9 बजे से दोपहर 3-3:30 बजे तक, तो मशीन भी सुबह मैंने 7 बजे ऑन कर दी थी। माशाल्लाह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ सोकर और नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद जो अपने छोटे मोटे सारे काम कर लेती हूँ। सुबह सुबह आप जब अपने घर के उठकर इस तरह से काम करते हैं, आप यकीन करें पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। और अभी रूटीन ऐसी हो गई है कि जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, ये रूटीन सबसे अच्छी होती है। लेकिन इस रूटीन में पता क्या होता है, एक गड़बड़ी ये हो जाती है कि रात के टाइम यानी कि मगरिब के बाद ऐसी नींद आती है कि आपके घर में कोई गेस्ट आया हो या आप कहीं गए हो तो बहुत उस टाइम शर्मिंदगी हो रही होती है, आंखें नींद से बंद हो रही होती है, मेहमान कह रहा होता है कि आपको बड़ी नींद आ रही है, इस तरह की बातें हो रही होती है, या आप किसी के घर गए हो तो बस जब हमने घर जाना है, नींद करनी है, तो ये वाला काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये अल्लाह की तरफ से जो है ना, एक हमारे जो दिमाग के अंदर जो एक घड़ी फिट हुई हुई है ना, सबसे बेहतरीन घड़ी है जो कि हमें टाइम पे उठाती है और टाइम पे सुलाती है। तो लेकिन खैर अच्छा है, सुबह सुबह उठने की आदत बहुत अच्छी होती है और रात को सोने की आदत भी बहुत अच्छी होती है, जल्दी सोने की आदत। तो बस नसरीन जो है जा चुकी थी और लाइट भी चली गई थी, तो बस मैं यहाँ बैठी हुई थी, फारिग थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने जो आईफोन के साथ जो है ज़ैम एयरपोर्ट्स लेकर आए थे इसको निकालूं देखूं, और साथ में ये जो ब्लैक वाले हैं ना, ये मेरे पास 1-1.5 साल से हैं, यकीन करें मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किए, और ये आईफोन के साथ भी जो थे मैंने ये भी यूज़ नहीं किए। इंसान बहुत बेकदरा है, बहुत बेकदरा है। इंसान को जब कोई चीज़ नहीं मिलती उसको बहुत तलब होती है, वो हर नमाज में बस उसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहा होता है कि बस ये मिल जाए, और जब इंसान को चीज़ मिल जाती है तो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं होती। ये बहुत गलत बात है। मुझे इन चीज़ों का इतना शौक़ नहीं है, ये आईफोन हो गया और ये जो है म्यूज़िक ब्लूटूथ पोर्ट हो गए, मुझे इसका बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे पास ये हैं और मैंने कभी यूज़ ही नहीं किए। अभी मैं बैठी हुई थी, मैंने निकाला तो मैंने कहा चलो इनको निकालती हूँ, कोई गाने शाने सुनती हूँ, या रात के टाइम अगर कभी लेटी हूँ तो जैसे कभी होता है कि मेरी आँख खुल जाए, या सुबह 6 बजे जब मैं उठ जाती हूँ, लेटी होती हूँ, ज़ैम सो रहे होते हैं, तो उस टाइम मैं यूज़ कर लूँगी इस तरह से। तो बहुत अच्छा लगा, आईफोन के साथ अटैच ज़ैम ने पहले से किए हुए थे। तो यहाँ पे खाने में मैं आज बना रही थी आलू गोभी, तो कटिंग भी कर ली, वॉश भी कर ली, आलू भी काट लिया, सब कुछ हो गया। ज़ैम ने मुझे बोला कि फ़ोन करके आज क्या पका रही हो, तो मैंने कहा बस पकाने ही लगी थी आलू गोभी, उन्होंने कहा नहीं मैं आलू गोभी नहीं खाऊँगा, जल्दी से बिरयानी बना लो।
चिकन मेरे पास पहले भी मौजूद था, तो एक पैकेट मेरे पास बोनलेस चिकन का रखा हुआ था, वो मैंने रखा हुआ था स्पैगेटी या मैक्रोनी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसी की जो है ना आज बिरयानी बना लेती हूँ। थोड़ी सी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास चावल कम थे और चावल जो हैं वो से मेरे पास 1 से 1.5 गिलास थे, तो मैंने कहा बस थोड़ी सी ही बनाऊँगी। और मैंने ये बोनलेस चिकन जो था वो निकाल लिया, और ये 2-3 पीस थे चिकन के अलग से पैकेट में थे, तो मैंने ये भी साथ ऐड कर लिया। मैंने कहा चलो हड्डियों की तरह ना यखनी अच्छी निकल आती है। सिंपल सी बनाऊंगी, कोई ज़्यादा टशन वशन नहीं करूंगी। मैंने क्या किया कि ऑयल में जो है चिकन को फ्राई किया, और अच्छी तरह मैंने फ्राई किया है, इसको गोल्डन शेड दिया है। उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया है। अच्छा, बिरयानी मसाला भी मेरे पास था, मटन बिरयानी मसाला शान वालों का ना, मैंने वो ऐड कर दिया। और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी फ्राई प्याज। बहुत जल्दी बनने वाली बहुत मज़े की ये बिरयानी की रेसिपी है। इसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंपल। और आप कह लें कि 30-35 मिनट्स में मेरी ये बिरयानी रेडी थी, और कुदरत अल्लाह की कम चीज़ वैसे ही बहुत अच्छी बनती है, ज़्यादा चीज़ जो होती है उसमें इतना टेस्ट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिए थे, वो क्लिप शूट नहीं हो सका। फ्राई प्याज जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी पूनम कंपनी के ही हैं, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और अब देखें यहाँ पर कितना अच्छा जो है ना एक शक्ल आ गई है मेरे बिरयानी का, जो मसाला मैंने रेडी किया है। साबुत खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसके अंदर तेज़पत्ता था, इसके अलावा दालचीनी, साबुत बड़ी इलायची थी, ज़ीरा था, काली मिर्च थी, लौंग थी। ये ऐड करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर एक टमाटर जो है कट करके मैंने वो ऐड कर दिया है। तो अब इसको मैं धीमी आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। और ये जी मेरा मसाला हो गया रेडी बिरयानी के लिए। उसके बाद जो है मैंने चावल भिगो दिए हुए थे पहले, और यहाँ पे अब चावल जो है मेरे बॉयल हो रहे हैं। और जब मेरे चावल बॉयल हो गए तो मैंने इसको जो है अब मैं तह लगाऊंगी। पहले मसाला डाला, फिर चावल डाले, फिर मसाला, फिर चावल, इस तरह से लगा लूँगी। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था इसलिए बहुत मुश्किल हो रही थी, फोकस जो है ना था कि कहीं मेरी जो पतीली है वो नीचे ना गिर जाए या मोबाइल इसके अंदर ना गिर जाए। तो बस यहाँ पे जी चावल जो है मैंने पूरे आप कह लें 95% जो है मैंने पकाए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखना था। बस सिंपल सा इसके अंदर मैंने कुछ ऐड नहीं किया, बस एक हरी मिर्च जो है काट के मैंने वो डाल दी थी, बाकी उसके ऊपर लेमन हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि बनाना मुझे कुछ और था, उसकी भी तैयारी की मैंने, फुल सब कुछ मैंने काट के रखा। उसके बाद एंड टाइम पे जेम का प्लान बन गया बिरयानी का, तो भाई मेरा मूड उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कि मैं बनाने के लिए क्या गई थी और आपने मुझे क्या कह दिया बनाने के लिए। तो सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आपका मूड ना हो, कुछ समझ ना आ रही हो, तो यार आप यही बनाकर खा लो, कम खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी, कल बहुत से लोगों ने कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए थे कि आपने जो सूट पहना है प्लीज़ ब्रांड का नेम बता दें। तो जी कोई ब्रांड नहीं था, मेरे घर के पास ही जो है एक मॉल बना है, कतान उस मॉल का नाम है, वहाँ पे मुझे ये शर्ट अच्छी लगी थी, वैसे ही मैं राउंड लगाने के लिए गई थी, शर्ट मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये शर्ट ले ली, 850 की शर्ट थी। इसके बाद जी मैंने नेवी ब्लू कलर का, इसके साथ मैंने ट्राउज़र मैच कर लिया। उसके बाद जी मैंने टेलर को दिया, और ज़ैम ने बोला कैसे पैनल्स वाली जो है शर्ट लॉन्ग स्टिच करवाना, वो स्टिच करवा ली। उसके बाद जी रह गया दुपट्टा, और ये दुपट्टा जो है मेरा कोई 2 साल पुराना सूट था, उसके साथ जो है दुपट्टा उसका पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके साथ मैच हो रहा है दुपट्टा, यही यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ये सूट रेडी हुआ, ये किसी ब्रांड का सूट नहीं है। मैं अभी कह दूँ कि भाई फलां ब्रांड का, उस ब्रांड का नहीं जी, किसी ब्रांड का सूट नहीं है, लॉन बहुत अच्छी है, और शर्ट पीस पसंद किया था, और इस तरह से मैंने फुल सूट जो है तैयार कर लिया। आप सबको पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब भी ज़ैम जो है जॉब से आ चुके हैं, खाना हमने खा लिया है, अब वो ज़बरदस्ती मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं। कुछ हमने इंटरनेट का जो है आज बिल पे करना था, क्योंकि टाइमिंग जो है ख़त्म हो गई है, तो हमारा इंटरनेट जो है ना आज ख़त्म, उन्होंने ऑफ़ कर दिया है, वरना हम टाइम पे कर देते हैं। बस ज़ैम की टाइमिंग की वजह से जो है ना हमें मौका नहीं मिला, वरना हम लोग जो हैं बिल पे कर देते हैं। तो अभी जा रहे हैं जी बिल पे करवाने के लिए।
तो जी बस निकलते हैं और बिल पे करवाते हैं। आज बाहर बहुत अच्छी जो है ना ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा जो है ना इस टाइम वेदर हुआ है। सुबह से ही जो है ना काफ़ी ठंडा ठंडा है। यहाँ पीछे देख रहे हैं ट्री भी हिल रहे हैं। ये चलें जाइए, बस एक स्टेटस अपलोड कर दो। कौन सा स्टेटस? ये लो पैसे है मेरे पास, मुझे लगा नहीं है इसलिए मैं ले आई। चलो वो तो जी बस अब हम लोग निकल रहे हैं और बिल पे जो है करना है। इंटरनेट का जो है ना मुझे सिस्टम बहुत ही बुरा लगा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारा बिल पे नहीं हुआ और उन्होंने जो है हमारा पीछे से कनेक्शन ही ऑफ कर दिया और सारा दिन मैं ऐसे बैठी रही है। डाटा पैकेज तो था मोबाइल में लेकिन इंटरनेट के बगैर वाकई ही हम लोगों का अब गुजारा नहीं है। लाइट के बगैर गुजारा हो जाता है, अंधेरे में आप बैठ सकते हैं लेकिन इंटरनेट में बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। तो आज का मेरा पूरा दिन बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का गुजरा, लाइट भी नहीं थी, बस ऐसे ही पूरे घर में बैठी रही। तो यहाँ पे जी ज़ईम ले आए मुझे अचानक मम्मा पापा के घर और मैं ज़ईम से नाराज़ हो रही थी कि यार अभी आप मुझे क्या कह के निकले और अब यहाँ पे ले आए हो, मुझे नींद आई हुई थी, मैं थकी हुई थी। तो मुझे कहते हैं कि नहीं आओ, आंटी अंकल से मिलने पर दिल कर रहा है, चलाओ चलें। फिर मैं भी कुछ नहीं कहती क्योंकि ज़ईम के पेरेंट्स भी यहाँ नहीं हैं तो उनको ज़रा फैमिली वाला माहौल ज़रा अच्छा लगता है। तो फिर वो यहाँ पर मुझे ले आए और अभी जो है बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही है और बाहर जो है ज़ईम के एक फ्रेंड है वो मिलने के लिए आ गए हैं ज़ईम को। तो बस अभी अब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। आज जो है मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा लेट मिलेगा और इसके लिए माजरत। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा। याद अल्लाह हाफिज़।